तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की डेली इंफ्रा न्यूज। दोस्तों पहले अपडेट सिंगापुर बेस्ड एसेंडस इंडिया ट्रस्ट की तरफ से आ रही है, जहां पर एसेंडस इंडिया ट्रस्ट जो इंडिया में आईटी एंड लॉजिस्टिक्स पार्क्स को डेवलप करती है, उसने टोटल 1200 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करने का प्लान किया है, जिसका फर्स्ट फेज के अंतर्गत इंडिया में अपना फर्स्ट डेटा सेंटर्स को सेटअप करेगी। इस न्यू डेटा सेंटर्स को एरोली में बनाया जाएगा। नवी मुंबई ऑलरेडी डेटा सेंटर्स हब की तरह डेवलप हो रहा है। दोस्तों अगली अपडेट उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर एसजेवीएन लिमिटेड ने 4.3 किलोमीटर लॉन्ग टनलिंग का एक्सकेवेशन को कंप्लीट कर लिया है। इस एक्सकेवेशन को 60 मेगावाट नैतवर मोरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए किया गया है। इस हाइड्रो पावर प्लांट्स का 265.5 मिलियन यूनिट्स एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का कैपेसिटी है। दोस्तों अगली अपडेट रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन शॉर्ट आरएलडीए की तरफ से आ रही है, जहां पर आरएलडीए 7 लैंड पार्सल्स को चेन्नई में लीज पे देने का प्लान कर रही है। 7 लैंड पार्सल्स का ऑनलाइन बिड्स को इनवाइट्स किया गया है। आरएलडीए इस खाली पड़े लैंड को कमर्शियल डेवलपमेंट के तौर पर यूज करेगी, जिससे आईटी कंपनीज यहां इन्वेस्ट करे। आरएलडीए 3.6 एकड़ के एक लैंड पार्सल्स को अयनावरम रेलवे कॉलोनी को लीज पे देने वाली है। दोस्तों अगली अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया है। इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकारिता मंत्रालय है। सरकार से समृद्धि के सपने को साकार करने के लिए मोदी सरकार ने यह मंत्रालय गठित किया है। वित्त मंत्री ने अलग सहकारिता मंत्रालय को लेकर बजट में घोषणा की थी, ऐसे में सरकार ने इसे लेकर अपना वादा पूरा किया है। नया मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। यह सहकारी समितियों को जमीनी स्तर पर पहुंचने में मदद करेगा। इसके जरिए कोऑपरेटिव्स यानी सहकारी समितियां लोगों से गहराई में जुड़ सकेगी। देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास का मॉडल बहुत प्रासंगिक है। इस मॉडल में प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है। मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को और आसान बनाएगा, साथ ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा। दोस्तों अगली अपडेट महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से आ रही है, जहां पर महिंद्रा ने क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर मैग्नेटा के साथ पार्टनरशिप किया है बेंगलुरु में ट्रियोजोन इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल्स को डिप्लॉय करने के लिए। इसके जरिए लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज को एजेंशियल एंड नॉन एजेंशियल गुड्स के लिए किए जाएंगे। मैग्नेटा 100 महिंद्रा ट्रियोजोन इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को बेंगलुरु में डिप्लॉय करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों अगली अपडेट इंडियन रेलवेज की तरफ से आ रही है, जहां पर इंडियन रेलवेज करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में 806 इकोनॉमी क्लास एसी थ्री टीयर कोचेस को मैन्युफैक्चर करेगी, जिसके बाद हर ट्रेन में इस कोच को फिट कर दिया जाएगा। मैक्सिमम कोच को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई मैन्युफैक्चर करेगी। एनुअली 344 ICF मैन्युफैक्चर करती है। 177 कोच को रेल कोच फैक्ट्री एंड 285 कोच को मॉडर्न कोच फैक्ट्री MCF मैन्युफैक्चर करती है। इस न्यू एसी थ्री टीयर कोचेस के फीचर्स के बारे में अगर बात करें तो इस कोच में पर्सनल रीडिंग लाइट, एसी वेंट्स, यूएसबी पॉइंट्स, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, इंप्रूव्ड सीढ़ियां ऊपर वाले बर्थ में चढ़ने के लिए एंड डिनर टेबल की सुविधा भी होगी। तो दोस्तों यही था आज का डेली इंफ्रा न्यूज़। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। लाइक करें दोस्तों वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हर किसी तक पहुंचे। कमेंट करें दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना है या मैं अपने वीडियो में और क्या इंप्रूव कर सकता हूं। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक न्यू डेली इंफ्रा न्यूज़ के साथ। जय हिंद।